लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं ना, हम उन्हें भभूति के नाम पे ड्रग्स देते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्हें ड्रग्स की लत लगती है और वो लोग इसे भक्ति समझते हैं। जब तक हमारा ये सफेद पाउडर बिक रहा है तब तक हम माला माल है, और इसी को कहते हैं बिजनेस। अरे तू पागल हो गया है क्या, ये बिजनेस थोड़ी ना है। ये बिजनेस थोड़ी ना है, ये तो जनता की सेवा है। जय महाकाल। जय महाकाल। वाह भाई, तेरे तो मजे हैं, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तुझे साइकिल मिल गई। अबे इसका किस्मत नहीं बोलते, ये टैलेंट है टैलेंट। रेस में साइकिल जीता हूँ, कोई स्कूल वालों ने फ्री में नहीं दी। लेकिन भाई तेरे तो मजे है ना यार, तू स्कूल में साइकिल पे आएगा और हम पैदल। हाँ साइकिल मिली है तो मजे तो लूंगा ना, और ऐसे ही थोड़ी ना मिली है, स्लो साइकिलिंग रेस में सबसे पीछे रहा हूँ, तब जाके साइकिल जीती है समझा। और वैसे भी अभी तो सिर्फ 15 बच्चे थे, अगर मेरे साथ पूरे स्कूल के बच्चे भी रेस कर रहे ना तब भी मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा, और स्लो साइकिलिंग रेस में यूं फर्स्ट आ जाऊंगा। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। वैसे भी अब तुम आओ पैदल, तुम्हारा भाई तो साइकिल पे जाएगा। भाई मेरे को बिठा ले। अबे ओ दूर रह, ज्यादा प्रैंक मत हो मेरे साथ। भाई मेरे को बिठा लेना, मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं। मोटे तू टायर फाड़ देगा साइकिल का, दूर रह मेरे साइकिल से। भाई मेरे को बिठा ले यार, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ। अच्छा ये दिख रहा है, एक रैपट में ग्राउंड ताकता फिरेगा। चलो ठीक है गरीब लोगो, पैदल आओ, तुम्हारा भाई साइकिल पे जा रहा है। पैदल आना। भाई यार इसमें तो अकड़ आ गई। हाँ भाई अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा आने के बाद उसमें घमंड आ जाता है, हमारे पास भी आएगा। क्या भाई घमंड? अबे पैसा। चल मम्मी 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 जल्दी आओ, बाहर आओ। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहा है? देखो मम्मी मेरी नई साइकिल, स्कूल वालों ने मुझे गिफ्ट किया है। आपको पता है मैं स्लो साइकिलिंग रेस में फर्स्ट आ गया, इसलिए मेरे को ये गिफ्ट में मिली। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरा आज दिल खुश कर दिया, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। ऐसे ही तरक्की करना खूब। एक काम कर, तू ना बाजार जाके पनीर लिया, आज तेरे को मटर पनीर की सब्जी खिलाती हूँ। क्या मटर पनीर की सब्जी? मम्मी वो तो मेरी फेवरेट है, मैं अभी लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। मेरे को लग रहा है रास्ते में साइकिल कहीं पंचर हो गई, पिछले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं बची, और इतनी धूप में मैं तो बाहर नहीं जाने वाला, साइकिल पे तो मैं चला भी जाता। मेरे को नहीं खानी कोई पनीर की सब्जी अब। हे माँ, माता जी, नई साइकिल पंचर हो गई, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है बेटा। अपशगुन? मम्मी इसमें अपशगुन वाली कौन सी बात है, टायर ही तो पंचर हुआ है, लगवा लूंगा मैं। अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, तुझे ना किसी की बुरी नजर लगी है। मैं ना देवी जी के पास जाती हूँ। हाँ हाँ मैं देवी जी के पास जाती हूँ और तेरी नजर उतरवाती हूँ। देवी जी? ये देवी जी कौन है मम्मी? अरे बेटा देवी जी ना साक्षात भगवान है, उनके ऊपर है ना काली माता का आशीर्वाद है, और तुझे पता है उन्होंने ना बहुत लोगों का भला किया है, और बहुत लोग उन्हें पूजते भी है, और बेटा वो ना ऐसी भभूत देंगे जिससे तुझे कभी भी नजर नहीं लगेगी। अरे मम्मी साइकिल का टायर ही पंचर हुआ है, उसमें क्या भभूति करेगी, क्या ये भभूति भभूति, आप भी कुछ भी। अरे पागल है क्या तू, मैं जा रही हूँ देवी जी के पास और तेरी नजर उतरवाती हूँ। अरे अरे मम्मी तू चुप बैठ। मम्मी भी पता नहीं क्या यार, एक साइकिल का टायर ही पंचर हुआ है उसमें। मैं अभी आ रही हूँ 2-3 घंटे में, ठीक है? अरे मम्मी घर से बाहर मत निकलियो जब तक मैं ना आऊं। ठीक है मम्मी जल्दी आना। यार
मम्मी भी ना एक टायर पंचर में पूजा पाठ में घुस गई। देवी जी प्रणाम। प्रणाम, बता क्या दिक्कत है तेरी। देवी जी, मेरे बेटे ने ना स्कूल में कंपटीशन में साइकिल जीती थी और वो रास्ते में ही पंचर हो गई। साइकिल होगी तो पंचर तो लगेगा ही उसके अंदर, कोई नई बात थोड़ी ना है। बात बता, दिक्कत क्या है। देवी जी, दिक्कत ये है कि नई साइकिल पंचर हो गई, इसका मतलब मेरे बेटे को नजर लगी है। अरे रुक रुक रुक, फिलहाल तो मेरी नजर तेरे इस हाथ के कंगन पे है, कहाँ से लाई। अरे देवी जी, ये तो मैं आपको ही चढ़ा दूंगी। वो तो मैं ले ही लूंगी, आगे बोल। देवी जी, आपको पता है नई साइकिल पंचर हुई है। एक मिनट, एक बात बता, ये कान के कहाँ से लाई तू। अरे देवी जी, कानों के, हाथों के, मैं सब कुछ चढ़ा दूंगी आपको, पर मेरे बेटे की नजर तो उतारो। अब तू आई है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल आंख बंद कर। अरे अच्छे से करना। हाथ खोल। अरे आगे करना। ये क्या है देवी जी। ये भभूति है देवी की, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूध में, चाय में, खाने में, दही में कैसे दे दियो। और एक काम करियो, थोड़ी सी तू भी ले लियो, तू भी ना खूबसूरत हो जाएगी मेरी तरह। देवी जी, आपकी तरह मेरी कभी दाढ़ी मूछ आ गई तो। अरे हाय हाय, कहाँ से, इतनी भी खूबसूरत नहीं होगी तू। अब जा। पूरे एरिया में फैल जाना चाहिए। और हाँ, कोई भी गलती हुई तो देवी जी का तो गुस्सा तुम जानती हो, तो इससे अच्छा अच्छे ढंग से काम करना। माल की तो तुम चिंता करो ही मत, आज शाम तक ये सारा माल इस शहर में फैल जाएगा और इस शहर का एक एक बच्चा नशा करेगा। बस थोड़ा सा मेरे हिस्से का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तू उसकी टेंशन मत ले। देवी माँ हम पे कृपा बरसाती हैं तो वो तुझ पे भी बरसाएंगी। तू बस काम कर, तू इनाम की चिंता मत कर। अब चल इसे उठा और निकल यहाँ से। तू गई नहीं अभी तक। आप बस जा ही रही हूँ। क्या देख रही थी। कुछ नहीं। रुक, तेरे को पता है जरूर से ज़्यादा देखना, जरूर से ज़्यादा सुनना इस सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा एक बात बता, तूने क्या क्या देखा। कुछ नहीं। सब कुछ देख लिया ना तूने। हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है, और अब मैं पुलिस थाने जाऊंगी और तुम सबकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। तुम मेरे बेटे को ड्रग्स देने वाले थे, मैं पुलिस में जाऊंगी। कितनी भोली है तू। तेरे को पता है थाने में सिर्फ जिंदा लोग जाते हैं, मुर्दा नहीं। छोड़ो। ड्रेस हो गया, अब मम्मी आ गई होगी। मम्मी के पास जाता हूँ, मटर पनीर की सब्जी खाऊंगा आज तो। मम्मी। मम्मी 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 अभी तक आई नहीं क्या, कहाँ रह गई। मम्मी को एक बार कॉल कर लेता हूँ, आधे वक्त पनीर भी ले आएंगी, फिर मटर पनीर की सब्जी खाऊंगा। इतना
you are trying to call is currently not reachable. Not reachable? मम्मी का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है और सुबह से शाम हो गई अभी तक मम्मी आई भी नहीं घर पे वापस। एक बार मैं चेक करके आता हूँ, देवी जी के यहाँ जाता हूँ। आ बेटा। तो अपनी माँ को ढूंढ रहा है ना? हाँ देवी जी, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? ऐसे ही थोड़ी ना देवी जी है, देवी जी को सब पता है। इसीलिए तू मुझे अच्छा लगता है। चल जा, बहुत हो गया। तो तू अपनी माँ को ढूंढने आया है? हाँ तो देवी जी, आपको तो पता ही होगा क्योंकि वो यहीं आई थी। यहाँ के लिए तेरी माँ निकली तो थी पर यहाँ पहुँची नहीं। क्या मतलब देवी जी? मतलब कहीं और चली गई होगी। तूने पता किया? पड़ोस में रिश्तेदारों के? नहीं देवी जी, मैंने तो कहीं पता नहीं किया। मुझे तो मम्मी यहाँ का बोल के आई थी तो मैं आपके पास चला आया सीधा। आए है तो पूछना पड़ोस में रिश्तेदारों के। मेरे पास आया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। वैसे तेरी माँ पूर्व दिशा की ओर गई है, जा ढूंढ ले। धन्यवाद देवी जी। मम्मी, आप मेरे को एक बात बताओ। मैंने आपको बहुत बार देखा है, आप इन कंगन को बहुत गौर से देखते हो और बहुत संभाल कर भी रखते हो, ऐसा क्यों? ये तेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिए थे बेटा, वो तो रहे नहीं, अब उनकी आखिरी निशानी यही बची है। का कंगन यहाँ है, इसका मतलब मम्मी यहाँ ही होगी। ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है इस देवी में ही कुछ गड़बड़ है। मेरे को ये बात पुलिस को बतानी होगी। पुलिस? सही है, यही मिल गए। सर अच्छा हुआ आप मेरे को सही टाइम पे सही जगह मिल गए। वैसे भी मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? सर सुबह से ना मेरी मम्मी गायब है, मिल नहीं रही। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी लास्ट टाइम कहाँ गई थी? सर सुबह सुबह मम्मी मेरे को ये बोल के गई थी कि तुझे ना नज़र लग गई है, तो वो देवी जी के पास बबूती लेने गई थी। अच्छा देवी जी के पास गई थी, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, वही होंगी। तुमने पता किया था? सर लेकिन मैं देवी जी के यहाँ गया था तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर आई नहीं। देवी जी के यहाँ नहीं आई? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ना देवी जी का बहाना लेकर ना अपनी फ्रेंडों के साथ किटी पार्टी मना रही होगी। नहीं मैडम, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मी मुझे कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उन्होंने देवी जी का बोला था तो वो पक्का वहीं गई होंगी। अरे देवी जी ने बोल ही दिया कि वो वहाँ नहीं गई तो नहीं गई होंगी, क्योंकि वो झूठ तो कभी बोलती नहीं है। तो तुम ये बताओ तुम्हारी किसी के साथ आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश है? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे शक है। शक है? किस पे? सर देवी जी पर। अबे ओए पागल है क्या, तुझे आइडिया भी है? तू किसके बारे में क्या बात कर रहा है? देवी जी है वो देवी जी। देवी जी ना ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। हाँ सर मानता हूँ कि लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं और मुझे ये भी पता था कि आप लोग मेरी बात पर यकीन तो करोगे नहीं, लेकिन सर आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये देखो सर, ये कंगन मेरी माँ पहनती है और ये कंगन मुझे देवी जी के यहाँ से मिला। अगर मेरी माँ वहाँ गई ही नहीं तो ये कंगन वहाँ कैसे पहुँचा,
अच्छा अगर ये कंगन तुम्हें वहां से मिला है तो इससे ये थोड़ा ना साबित होता है कि तुम्हारी मम्मी जी को देवी जी ने गायब किया है। और हो सकता है तुम झूठ भी बोल रहे हो, हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लें? सर मेरी माँ गायब हुई है, मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूँगा? सर देखो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप मेरे साथ देवी जी के यहाँ चलो और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करो और फिर देवी जी को अरेस्ट करो। इन्वेस्टिगेशन और देवी जी के यहाँ? तू पागल हो गया है क्या? अगर हमने वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन का नाम भी लिया ना तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, हमारी नौकरी भी चली जाएगी, समझा? तुझे पता भी है देवी जी के कितने समर्थक हैं? देवी जी भगवान है भगवान। सर देखो मेरे को तो पूरा यकीन है कि मेरी माँ को गायब करने के पीछे देवी जी का ही हाथ है, तो आप लोगों को ये इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने जो ये बात है ना हमारे सामने तो बोल दी, अगर तू ये बात कहीं पब्लिक में बोलता ना तो तुझे जान से मार देते, और मैं भी तुझे बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ, वरना पहली गोली मैं ही मारता तेरे को। चल निकल यहाँ से। तो सर आप मेरे साथ नहीं जाओगे? तू जा रहा है? नहीं, वरना अभी जेल के अंदर डाल दूंगा तेरे को। चल निकल। ना पुलिस वाले मेरी मदद करने के लिए तैयार और ना ही मेरी इस बात पर कोई यकीन करेगा। अब मम्मी को कहाँ ढूंढूं? मुझे तो पक्का यकीन है मम्मी देवी जी के यहाँ मिलेगी। बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मम्मी को तो मैं ढूंढ के ही रहूँगा। एक काम करता हूँ, आज रात चुपके से देवी जी के यहाँ जाता हूँ और मम्मी को ढूंढता हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि वो वहीं मिलेगी, उन्हें वहाँ से लेके आता हूँ। हे भगवान मेरी मदद करना। आप चिंता मत करो मम्मी, मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है आप यहीं हो, मैं इस देवी के चंगुल से आज आपको बचा कर ले जाऊंगा। हे महादेव रक्षा करना। ढूंढ रहा है? कुछ नहीं। अरे बता ना, सच सच बता, क्या ढूंढ रहा है? मैं देवी जी के दर्शन करने आया था। वाह, तो देवी जी का बहुत बड़ा भक्त निकला, इतनी रात में वो भी अकेले देवी जी के दर्शन हुए नहीं? नहीं वो देवी जी अभी सो रही होंगी ना, तो उन्हें क्यों कष्ट देना, मैं अभी चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे चला जाता हूँ, इतनी रात में कष्ट उठा के आया है, अब देवी जी के दर्शन किए बिना कैसे जा सकता है? चला मैं करवा दूं तुझे देवी जी के दर्शन, चल चल आ। ले कर ले देवी जी के दर्शन। और हाँ एक बात याद रखियो, क्या पता ये तेरे आखिरी दर्शन हो, तो थोड़ा अच्छे से करिए। अरे तू फिर आ गया? अपनी माँ को ढूंढने आया है, लगता है तेरे को मुझ पे शक है। इसको मुझ पे शक है, इसको देवी पे शक है। सिर्फ शक ही नहीं यकीन है। चल तेरे को बता ही देती हूँ। तेरे तो साले खानदान में ही दिक्कत है, पहले तेरा बाप उसको ठिकाने लगाया,
जान जो गया था हमारे बारे में, फिर तेरी माँ, उस बिचारी को तो ये भी नहीं पता था कि तेरे बाप को हमने मारा है, और उसको तो जिंदा दफना दिया मैंने। अंधा विश्वास करती थी मुझ पे। और अब तू, तेरे को नहीं मारूंगी, जा, छोड़ दिया, देवी ने तुझे बख्श दिया। अबे जा, चला जा, जाता क्यों नहीं है? देवी जी ने तेरी जान बख्श दी है, इससे अच्छा मौका कहाँ है? जा निकल यहाँ से। हाँ, जाऊंगा ना, लेकिन इस बार खाली हाथ वापिस नहीं आऊंगा। इस बार तो मेरे पास सबूत भी है, किसने मेरे माँ बाप को मारा है। ये पुलिस को लेकर आएगा, ये पुलिस को लेकर आएगा। पुलिस को लेकर आएगा। अरे जा उधर देख। ए ठुल्लो, नाचो जरा। सर, नाचना है क्या? अरे देवी ने बोला है तो इसका मतलब नाचना ही पड़ेगा। सर ठुमके लगा। अब बता किसको लाएगा देवी को पकड़ने के लिए? मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, बदला, मुझे मारना चाह रहा होगा। साले तेरा तो खून ही गंदा है, पहले तेरा वो लीचड़ बाप, फिर साली तेरी माँ।